हाँ दोस्तों, पड़ती है कभी कभी ऐसी जरूरत भी पड़ती है कि हमें प्रिंटेड डॉक्यूमेंट एडिट करने पड़ते हैं। अगर डॉक्यूमेंट कंप्यूटर पर है और राइटेबल कंडीशन में है तो हम किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रिंट हो चुका है और कोई मिस्टेक हो गई, स्केच वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया और उसे एडिट करना पड़ गया, तब हम क्या करेंगे? दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट होने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा और वीडियो में बने रहिएगा। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों मुझे पता है मेरे ऑनलाइन जुगाड़ के जितने भी व्यूअर हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मैं आज आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाने वाला हूं कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कुछ भी किसी भी तरह से एडिट आप कैसे कर सकते हैं। बाकी इसकी मदद से आप बाकी कुछ भी एडिट करना चाहें तो आराम से कर लेंगे, मुझे पता है। तो दोस्तों आज मैं लेने वाला हूं एक रिसीट जो प्रिंट भी हो चुकी है और उसमें कुछ लिखा भी जा चुका है, पर मुझे उसे क्लीन करना है, खाली करना है और बिल्कुल ब्लैंक बनाना है पहले जैसा, तो वो बन जाएगी कुछ ऐसे से ऐसी। तो दोस्तों ये करने के लिए हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए फोटोशॉप का। अगर नहीं भी है आपको, आपने ज्यादा फोटोशॉप नहीं चलाया है, तो भी मैं आपको आज इतने आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आप इस चीज को कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों, ये चीज आप कर सकते हैं एक बहुत बच्चों वाले सॉफ्टवेयर की मदद से जिसे हम बोलते हैं MS Paint। सभी ने बचपन में या कभी ना कभी इस सॉफ्टवेयर का यूज जरूर किया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं पेंट की मदद से इसको एडिट करके बताऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं एक और वीडियो उस पर बना दूंगा। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं फोटोशॉप में और आपको ये एडिट करके दिखाते हैं बिल्कुल क्लीन। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपने जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसे किसी स्कैनर की मदद से स्कैन कर लेंगे या फिर आप फोन की मदद से भी उसे स्कैन कर सकते हैं। मैंने ये बताया है आपको वीडियो बना करके कि कैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, चाहे वो कितना छोटा हो या फिर कितना भी बड़ा हो, A3 पेपर का ही क्यों ना हो, आप अपने फोन की मदद से बड़े आसानी से उसे स्कैन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको कहीं आई बटन भी मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप इनमें से किसी भी मेथड से अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपको अपना सॉफ्टवेयर खोलना है और वहां पर उस डॉक्यूमेंट को खोलना है जैसे कि मैंने यहां पर खोल लिया है। अब आप देखिए ये काफी ज्यादा इसमें लिखा गया है, आप देख सकते हैं पेन वगैरह और कहीं पर भी चलाया गया, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल ब्लैंक एरिया में पेन चलाया गया हो और आराम से हम उसे क्लीन कर पाए। ये उन एरियाओं पर भी चला है पेन जहां पर प्रिंटेड एरिया है, देखिए ये एरिया प्रिंट है, ये एरिया भी प्रिंटेड है और कुछ लेटर्स जो प्रिंटेड हैं उन पर भी पेन चलाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये सब हमें एडिट करना है और बिल्कुल नए जैसा बनाना है ताकि पता भी ना चले कि कभी इसमें पेन चला था या कोई भी इसमें प्रॉब्लम थी, ये बिल्कुल क्लीन लगे, बिल्कुल ओरिजिनल या नए जैसा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले हमने स्कैनिंग जो करी है उसमें आपको इस तरह के बॉर्डर्स देखने को मिलेंगे, आप ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर्स आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे। तो पेपर में जो ये बॉर्डर आ रहे हैं स्कैन का शेडो एरिया, इसे सबसे पहले हम क्लीन कर लेते हैं। आपको सिंपली ये वाला टूल लेना है जिसे हम सिलेक्शन टूल बोलते हैं और जो बैकग्राउंड वाला कलर है यहाँ पर आप देखिए इस पर आप क्लिक करिए और पेज में से ही व्हाइट कलर पिक करके ओके कर दीजिए। और इसके बाद ये सिलेक्शन टूल लीजिए और जहां जहां शेडो है उतना एरिया सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। ये देखिए इससे क्या होगा कि आपका जो शेडो था वो पेज से हट जाएगा और पेज बिल्कुल क्लीन कोरा जैसा था वैसा ही दिखने लगेगा। इस काम को बहुत सावधानी से करिएगा, कोई प्रिंटेड एरिया जो है वो सेलेक्ट ना हो या डिलीट ना हो जाए। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं। तो देखा आपने इस तरह से ये जो शेडो थी वो हमने क्लीन कर ली और अब जो एरिया आराम से क्लीन होने वाला है उसे भी हम साफ कर लेंगे, जैसे कि ये एरिया, इधर का एरिया, तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसे हम हटा लेंगे ये पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल की मदद से। आप आराम से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ध्यान से कोई भी प्रिंटेड टेक्स्ट या कुछ भी सेलेक्ट नहीं होना चाहिए और बड़े आराम से इसको क्लिक डिलीट करते समय ध्यान रखिएगा कि जो एरिया जहां पर प्रिंटिंग है वो एरिया किसी भी तरह से डिलीट ना हो, और अगर वहां पर कुछ भी ज्यादा लिखा पड़ा है और वो डिलीट करना ही पड़े तो भी आप परेशान मत होइए, वहां पर उसको डिलीट करने के बाद भी हम लोग पहले जैसा उसको ले आएंगे, बस वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद इसको डिलीट कर देंगे। तो जहां जहां इस तरह का सिलेक्शन
मतलब जो लिखा हुआ है इसको एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और जल्दी से उतना एरिया किसी टूल की मदद से डिलीट कर लीजिए। इस पूरे एरिया को हम एक साथ डिलीट कर देते हैं और आप देख रहे हैं कि लिखे हुए टेक्स्ट के साथ साथ प्रिंटेड एरिया भी डिलीट हो रहा है, पर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये सारा एरिया पहले जैसा वापस आ जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने इस एरिया को क्लीन कर लिया है और जहां बैकग्राउंड कलर था वो भी हमें मजबूरी में डिलीट करना पड़ा, तो जो सेलेक्ट करके डिलीट करने वाला पोर्शन है ये तो आसान काम था, लेकिन जो बैकग्राउंड और साथ में टेक्स्ट हमसे डिलीट हो रहे हैं ये हम लोग कितनी आसानी से लेकर के आ सकते हैं, मेन काम ये है। तो चलिए अब इस पर काम करते हैं, पर पहले थोड़ा सा जो एरिया रह गया उसको भी क्लीन कर लेते हैं। यहां आप देख पा रहे हैं ये किसी स्टैंप का जो भी दिख रहा है आपको, ये स्टैंप लगाया हुआ है, ये भी हमें हटाना पड़ेगा। तो ये पूरा स्टैंप वाला एरिया जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम डिलीट करना पड़े हटा लेते हैं। ये हमने डिलीट कर लिया और अब देखिए यहां पर ये टी, इस पर भी पेन चला हुआ है, मैं दिखाता हूं आपको जूम करके, हमें ये भी हटाना पड़ेगा, तो हमने इसको भी यहां से डिलीट कर लिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने सारा एरिया डिलीट कर लिया है, लेकिन अब हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसका बैकग्राउंड जो था वो सारा एरिया जो है वो डिलीट हम लोग कर चुके हैं। तो अब असली काम शुरू करते हैं कि कैसे इसको क्लीन पहले जैसा प्रिंटेड खाली लेकर के आते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं उस टी से, उस टेक्स्ट से जो हमें मजबूरी में डिलीट करना पड़ा। तो सेम टी कैसे लाएंगे, सेम टेक्स्ट कैसे लाएंगे, अगर हम टाइप करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाएगा, कलर अलग हो जाएगा, साइज अलग हो जाएगा, फॉन्ट अलग हो जाएगा और बहुत कुछ बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। तो हमें सेम कैसे लेकर के आना है चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वैसा ही टी टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट आपने रीड किया है मिलता जुलता आपको उस पेज में कहीं ढूंढना है, मिल जाएगा आपको, क्योंकि टेक्स्ट जरूर रिपीट होते हैं। ये देखिए मुझे ऊपर से मिल गया, तो मैं इसको यहां से सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद जो सबसे खास चीज का ध्यान रखना है वो ये कि आपको एग्जैक्टली सेलेक्ट करके कॉपी नहीं कर लेना, उसको थोड़ा सा फेदर करना है। और फेदर करने के लिए हम इस सिलेक्शन वाले मेन्यू पे जाएंगे, सेलेक्ट पे, और फेदर पे जाकर के बहुत थोड़ा सा वन पॉइंट का फेदर दे देंगे और बस कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। और अब आप देखिए वो टी ऊपर से बिल्कुल स्मूथली नीचे आ चुका है और देखिए उसको हमने अपनी जगह पर फिट कर दिया है और अब ये पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने यहाँ से डिलीट किया था। और अब आप अगर यहाँ देख पा रहे हो तो दो लेयर बन चुकी है, एक बैकग्राउंड वाली और एक जो भी हमने टी कॉपी किया था वो वाली। तो इन दोनों लेयर को एक कर लेते हैं पहले, यानी कि इसको फ्लैटन कर लेते हैं ताकि काम आराम से हो पाए। तो हमें जो लेयर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, जैसे कि देखिए ऑलरेडी क्लिक है, और बस कंट्रोल ई, याद रखिएगा कंट्रोल ई दबा देना है, कंट्रोल ई, तो ये पूरा एक बैकग्राउंड बन जाएगा। और उसके बाद अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर हमने कुछ कलर्ड एरिया जो है उसको भी डिलीट किया था, तो उसको भी हम वापस कैसे लेकर के आएंगे, पहले हम एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कि कौन सा एरिया हमें कलर्ड करना है, ये वाला, तो आप देख पा रहे हैं ना, तो इसे हमें कलर करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली यूज करना है ये वाला स्टैंप टूल जिसे हम बोलते हैं क्लोन स्टैंप, इस पर क्लिक करिए, ब्रश का साइज सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और उसके बाद ऑल्ट की मदद से सेम मिलता जुलता कलर यहाँ से पिक कीजिए ऑल्ट दबा के और इसको इसके ऊपर भर दीजिए। बहुत ध्यान से इस काम को करिएगा। तो चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं। बस इसी तरह से जहां जहां हमने कलर डिलीट किया है उनको भी हम लोग कलर फिल कर लेते हैं जल्दी से। अब जहां जहां हमारे बड़े एरियाज हैं वहां से हम बड़े एरिया का कलर कॉपी कर लेंगे और उन जगहों पर पेस्ट कर देंगे। और साथ ही इन सारी लेयर्स को हम लोग मर्ज करते हुए चलेंगे। अब देखिए इस एरिया की बात करते हैं, ये एरिया हो गया या नीचे का ये एरिया हो गया, इस पोर्शन से हमें लाइनें हमने गायब कर दी हैं, वो वापस कैसे लेकर के आएंगे, तो बहुत आसान तरीका है इसके लिए, हमें सेम मिलती जुलती लाइंस सेलेक्ट करनी है यहाँ से। देखिए यहाँ पर एक और दो, ये एक लाइन वाला ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस एक लाइन को यहाँ से ले लेंगे और साथ में हम इस एरिया को भी लेंगे
अब ये एरिया हमने क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूँ। इस एरिया में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस हैं और इस एरिया में भी हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस लिए। तो सबसे पहले इसको हम फ्लैटन कर लेते हैं 1% पे और इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एडिट मेन्यू में आ करके इस लेयर को हम लोग वर्टिकल फ्लिप कर देते हैं। देखिए जो हमने कॉपी किया था वो हमारी वर्टिकल फ्लिप हो गई लेयर और उसको हम एग्जैक्टली इस जगह पर ला करके रख देंगे जिससे कि हमारी जो लेयर थी वो वैसी ही हमको मिल जाएगी जैसे हमें चाहिए। अगर थोड़ा ट्रांसफॉर्म से एडजस्ट करना पड़े तो आप कर लीजिए, सेम दिखने लगेगी ये देखिए। और इसके बाद जहाँ जहाँ इस तरह से हमने लाइनें हटाई हैं इनको भी हम लोग क्लियर करके कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हमने जो लाइन हटाई थी वो हम यहाँ से बड़ी आसानी से ले सकते हैं। तो यहाँ वाली लाइन हम ले लेते हैं, हमें यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा इस एरिया को और ये और बस कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट हो गया। और इन लाइनों को हमें बिल्कुल ठीक यहाँ पर ला करके इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ये देखिए ये आ गई और बस उतना एरिया सेलेक्ट करिए और बड़ी सावधानी के साथ उस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। और बस यही सेम प्रोसेस हमें यहाँ भी करना है, यहाँ से लाइंस कॉपी कर लीजिए। अब बचा हमारा थोड़ा सा ये वाला एरिया, तो बस इसे हमें सिंपली यहाँ से सावधानी से कॉपी करना है इतने एरिया को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और उठा के इसके सामने रख देना है। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, इसी तरह से कोई भी एरिया अगर आपको छूट रहा हो दिख रहा हो कि रह गया है तो उसको भी एडजस्ट कर लीजिए। और देखिए पूरा डॉक्यूमेंट आपके सामने है जो हम लोगों ने इरेज करके ब्लैंक कर लिया। अब किसी भी तरह के प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को इस तरह से एडिट कर सकते हैं। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट एडिट हो गया, ब्लैंक हो गया, क्लीन हो गया। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मैं इसको जल्दी से एक प्रिंट आउट निकाल के भी आपको दिखा देता हूं, तब आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो एडिटिंग है एकदम क्लियर आई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये ट्रिक और ये एजुकेशनल वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ऑनलाइन जुगाड़ शॉर्ट जो अपना नया चैनल है ना उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।